ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜੇਆਂ ਸਰਾਮਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸ ਐਚਓ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੇਕੰਗਤਿਤ ਰਾਣ ਦਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਐਸਆਈ ਨੇ ਦਾਤਰ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨੋ ਤੇ ਲੁੱਟੋਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੌਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸੇਲ ਕਸੂਮੀਰ ਆਈਪੀਐਸ ਸਹਿਯਕ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਦੇ ਫੋਨੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੋਖੋਹ ਕਰਨ ਦੋਨੋਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੇਸਾ ये बेसिकली पिछले कुछ टाइम से थाना बेलगा थाना गुराए के एरिया में कुछ वारदातें हुई लुट खुदी वारदातें इस करके हमें पहले भी शिकायतें मौसू हुई और इस वजह से लोग काफ़ी परेशान थे और खासकर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी इन लोगों को काबू में कर लेना और काफ़ी टाइम से पुलिस इस काम में लगी हुई है काफ़ी सारे एफर्ट्स करके सीसीटीवी कैमरास की फुटेज देख देख के और बाकी जो हमारे अपने सोर्सेज हैं उनसे इनपुट लेके इवेंचुअली हमने एक बंदे को काबू कर लिया था और उसके जो इनपुट्स के बेसिस पे हमने फिर नेक्स्ट डे दूसरे बंदे को भी काबू कर लिया था जो पहले दिन हमने किया था ये धर्मवीर सिंह सन ऑफ बलजिंदर सिंह ये कंग अरया पिंड हैगा वहाँ का निवासी है और फिर दूसरा जो इसका एसोसिएट है दलजीत सिंह सनाफ कुलबीर सिंह ये भी कंग अरैया का निवासी है तो यहाँ इनसे जो पूछगछ हमने की इन्होंने उसमें कन, कन कन्फेस्ट कर लिया कि उन्होंने कम से कम बारह वारदातें अंजाम दी हुई है और उसमें जो कुछ वारदातें कुछ थाना गुराए के इलाके में हुई हैं कुछ फ्लोर थाना के इलाके में हुई है बड़ा पिंड है हमारे पास वहाँ पे हुई है इवन जो नवा शहर में मुकंदपुर पड़ता है वहाँ पे भी इन्होंने ये वो अरदाद अंजाम दी हुई है तो बाद में हमने सब्सिक्वेंटली कुछ रेड्स की और एक बहुत बड़ी कामयाबी बिलगा पुलिस को मिली है और शलाघा योम एस एच बिलगा ने किया है और उसकी टीम ने और रिकवरी में हमारे पास हमने एक एयर पिस्टल इनसे रिकवर कर लिया जिसका इस्तेमाल करके लोगों को डरा धमका के उनसे चाहे पैसे वसूलते थे या उनका जो ज्वेलरी है वो छीनते थे एक एयर पिस्टल है एक दातर हमने रिकवर किया है एक सी टी हंड्रेड मोटरसाइकिल इसके अलावा तीन जोड़े बालियां, एक जोड़ा बालियां छोटे साइज़ के दो गोल्डन चेन्स हमने रिकवर किया इनसे एक कोका जो नोज पिन होता है वो और चार जोड़े बालियाँ जो कि आर्टिफिशल है गोल्डन नहीं है तो ये इनसे रिकवरी हुई है फिर भी इनसे और भी पूछताछ हम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि जो इलाके में इस तरीके की जो वारदातें हैं उन पे हम काबू पा सके और जितने भी लोग हैं इलाके के वो हमेशा सेफ और सिक्योर महसूस कर सके सर इन पे पहले को मुकदमे बिल्कुल जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इनके खिलाफ तीन सौ उनासी बी के दो मुकदमे हैं दलजीत सिंह पुत्र कुलवीर सिंह पे पहले के भी तीन मुकदमे हैं एक तीन सौ दो का भी है तीन सौ उनासी बी के दो मुकदमे हैं और जो धर्मवीर है उनके ख़िलाफ़ भी दो मुकदमे हैं पहले के मुकदमा नंबर दो सौ पच्चीस वो भी तीन सौ उनासी बी मतलब स्नैचिंग का और मुकदमा नंबर एक सौ अट्ठाईस वो तीन सौ दो तीन सौ चार सर पकड़े कैसे पकड़ में कैसे आ गए जब से इंसिडेंट्स हुए हमारे पास लोगों की शिकायतें मशूल हुई तब से ही पुलिस लगी है हर एक दिन सीसीटीवी कैमरास हम चेक करते रहे उसके अलावा जो खुफिया सोर्सेस होते हैं अपने उनसे भी हम ह्यूमन इंटेलिजेंस पास उनसे इनपुट्स लेते रहे और इवेंचुअली एक जो कोलाब्रेशन है टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस उससे मिला के इवेंचुअली हमें हमारे काबू में आ गए सर माड़ भी लिया रिमांड लिया हुआ है रिमांड लिया हुआ है अभी पुलिस कस्टडी में क्या पर्चा पर्चा इनके तो पहले के भी पर्चे हैं, अब इनके एक पर्चा हमने दे दिया है दो सौ पच्चीस बटा वी अगेन दो सौ सतानवे एटी नाइन बी का और आर्म्स एक्ट सर इन्हों घ ये बेसिकली नाके नाके पे आ, जो सोर्स है हमारा उसने इतला दी हुई थी एंड इवेंचुअली ये एक नाके पॉइंट पे इनको हमने काबू कर एक लिया एक था सर सर इन्होंने बताया कोई के साथ और कोई इसके साथ में वो कर रहे हैं हमारी पहला फोकस था कि जो वारदातें इन लोगों ने की है उसमें हमें रिकवरी हो जाए एंड आई थिंक वी हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल ठीक ठाक हमारे पास रिकवरी हुई है और जितने इन्होंने वारदातें मान ली है वो रिकवरीज़ हुई है बाकी हम फिर से पूछताछ कर रहे हैं कि हमें अगर कोई और भी गैंग इस तरीके की या कोई और भी ग्रुप सरगर्म है इलाके में तो उनका भी इनसे अगर कोई अता पता लग जाए तो हम उनको भी फिर काबू करने में सफल रहेंगे